मशीन चालू करने से पहले, डाटा सेट करने से पहले पहले डाटा को रीसेट करें। रीसेट डाटा, इसको नेस्ट करें, यहाँ पे यस आ जाएगा। फिर इसको कंफर्म करें, कंफर्म करने के बाद एक ग्रीन हो जाएगा। फिर रीसेट सेक्शन, फिर नेस्ट करें, फिर इसको कंफर्म करें। फिर डू यू वांट टू रियली रीसेट सेक्शन, यस। मशीन ऑफ है, इसको ऑन करें। रीसेट करते समय कभी भी मशीन जो है फॉरवर्ड में रखें, उसके बाद रीसेट करें। रीसेट डाटा, नेक्स्ट, कंफर्म। रीसेट सेक्शन, नेक्स्ट, कंफर्म। ये हो गया रीसेट आपका, सब 00 हो गया। अब डाटा सेट करें। सेट वन, सेट यान काउंट, जो भी आपका काउंट हो। टोटल इंड्स, बीम विथ, वार्पिंग स्पीड। सेक्शन थ्रेड सेट, इसको न टच करें। सेक्शन इंड फर्स्ट, सेक्शन इंड मिडल, सेक्शन इंड लास्ट, टोटल सेक्शन। वार्पिंग लेंथ मीटर, सेट यार्न डेंसिटी, बस इतना सेट करने के बाद जो है आपका डाटा सेट हो जाएगा। फिर मशीन को जो है पेटी जो है इसको अंदर ले लें। सेंटरिंग करने के बाद ये सेंटरिंग हो गया आपका। इसके बाद जो है पेटी को अंदर ले लें, फिर सेक्शन लगा के आप चालू कर दें। ध्यान रखें क्रिल का स्टॉप मशीन बंद रहे, मेजरिंग करते समय स्टॉप मशीन ऑफ रहना चाहिए।